नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, जहां चाह वहां राह। और अगर जन समस्याओं का निवारण जनता के द्वारा स्वयं मिलकर के किया जाए तो शायद हर समस्या का निवारण किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला विदिशा जिले के कुरवई नगर से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि देश और प्रदेश के जैसे ही कुरवई के लोग भी आवारा पशुओं के आतंक से बेहद परेशान थे, और जब इसकी चर्चा उन्होंने नगर के अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा से की तो गोपाल वर्मा ने किसानों के साझा सहयोग से एक अस्थायी गौशाला निर्माण करने की बात कही। ग्रामीणों ने इस पर अपनी सहमत जताई, जिसके बाद एक अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें पशुओं के खाने के लिए चारे और पानी की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था की गई। और इस तरह से गांव वालों को आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति मिल गई, साथ ही साथ आवारा पशुओं के रहने के लिए भी एक नियत स्थान मिल गया। आपको बता दें कि कुरबई नगर में आवारा मवेशियों से परेशान होकर किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा से शिकायत की, तो अनुविभागीय अधिकारी ने सभी किसानों से चर्चा कर एक स्थायी गौशाला की बात कही। इस पर सभी किसान राजी हो गए और प्रशासन द्वारा स्थायी गौशाला के लिए जमीन की व्यवस्था की गई। नगर परिषद के सहयोग से उस जमीन पर तार फेसिंग और मवेशियों को पानी पीने के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, और पानी की टंकी में पानी भरने की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंपी गई। किसानों द्वारा आमजन के सहयोग से मवेशियों के चारे, लाइट एवं ठंड से बचने की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा से बात करने पर पता चला कि कुरवाई और आसपास का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर आवारा मवेशियों की वजह से किसान काफी परेशान थे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया तो किसानों से चर्चा कर एक समिति बनाई गई। समिति में किसानों को ही सदस्य बनाया गया, और लगभग 40 से 50 गाय का एक झुंड किसी भी एक खेत में घुस जाता है तो रात भर में कम से कम 5 बीघा की फसल नष्ट कर देता है। अगर हम इसका आकलन लगाए तो 5 बीघा में 50 क्विंटल की पैदावार होती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ अनाज की कमी भी आती है। और ऐसे लगभग 8-10 झुंड रातों में घूमते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया। और साथ ही साथ गोपाल वर्मा ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत स्तर पर इस तरीके के उपाय हों जिससे किसानों को उपज का उचित लाभ मिल सके, साथ ही साथ पशुओं के आतंक से किसानों को मुक्ति मिल सके। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। इसमें सभी किसानों का सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, सारे विभागों का सहयोग है, सारी कुरवाई नगरी का सहयोग है। इसमें अस्थायी गौशाला व्यवस्था बनाई है अपन ने। किसान रात रात भर जग के खेतों पर ढोर भगा रहे थे, भग नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए प्रशासन के सहयोग से और किसानों के सहयोग से ये अस्थायी व्यवस्था बनाई है। प्रशासन ने इसमें बाउंड्री वॉल कराई है, ये पानी की व्यवस्था कर रही है प्रशासन, और जो भी समस्या आती है प्रशासन व्यवस्था करती है, कोई किसी भी तरह की। जानवरों के चारे की व्यवस्था किसान करते, सारा चंदा करके सारे किसान व्यवस्था कर रहे हैं। बस्ती का सहयोग उसमें कुछ लोगों का है। प्रशासन की व्यवस्था हो रही है कि उनका उपचार हो रहा, डॉक्टर आके इलाज करते हैं। सारे जानवरों पर टैग लग गए हैं कानों में, उनकी पहचान हो गई है, ये आवारा हैं। और लगभग प्रशासन काम कर रहा है इस चीज़ पर, इलाज के लिए डॉक्टर आता है, सब व्यवस्थाएँ। ये हमारा जो कुरवाई क्षेत्र है, ये कृषक प्रधान और कृषि प्रधान क्षेत्र है, और इस समय गेहूं की बोनी हो चुकी है। उसके अलावा दूसरी जो रबी फसलें हैं उनकी भी बोनी हो चुकी है, और ये आवारा जो गायें घूमती रहती हैं ये निरंतर फसलों को नुकसान कर रही थी। तो कृषकों ने मुझे ज्ञापन दिया कि अब इन गायों से कुछ हमें मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में जा कर के नुकसान करती है। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, सब बातचीत करके एक समिति बनाई गई है, हमारे कृषकों की समिति है वो, और एक स्थान का चयन करके जो ऐसी आवारा गायें हैं उनको वहाँ पर रखा गया है। उनके खाने पीने पानी का इंतज़ाम और ठंड से बचाव आदि के इंतज़ाम वहाँ पर किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और वो समिति उनकी देखरेख करती है। प्रशासन द्वारा क्या सहयोग किया गया? वहाँ पर हमने ज़मीन उपलब्ध करा दी उनको, और फेंसिंग नगरपालिका के द्वारा करवा दी, पानी की टंकी नगरपालिका के द्वारा वहाँ बनवा दी है। नगरपालिका पानी का वहाँ पर जो है प्रतिदिन भराव कर देती है पीने के लिए, प्रकाश की व्यवस्था वहाँ कराई है, और बाकी दूसरी जो भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से होना चाहिए वो सब देख करके करते हैं। चारे की व्यवस्था समिति अपने स्तर से करती है, उनको पशुओं को चारा खिलाती है। अभी चूँकि ठंड का दिन है तो उनको गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल, इसका भी खिलाने पिलाने का इंतज़ाम वहाँ पर
किया जा रहा है, तो ये जन सहयोग से हो रहा है। और इसमें होता क्या है कि एक निकल जाती हैं तो वो रात भर में लगभग जगह जगह चरती है, लेकिन डेंसिटी में यदि देखा जाए तो 5 बीघा क्षेत्र वो नष्ट कर देती है। 5 बीघा में जितना गेहूं पैदा होना होता है, और 5 बीघा में होता है 50 क्विंटल। अब इस तरह से ये 200 गायों का था, यानी 200 बोरा रोज़ हमारे कुरवाई का नष्ट हो रहा था यदि ये गायें आवारा घूमती रहती थी। तो एक दिन में यदि 200 बोरा हो रहा है तो पूरे 60-70 दिन अभी ये गेहूँ का नुकसान करती। तो ये सब दृष्टिकोण रखते हुए एक इकोनॉमिक बचत हो, किसान की बचत हो, देश के उत्पादन में वृद्धि हो, इस दृष्टिकोण से ये गायों को एक इकट्ठा करने का प्रयास हमने किया है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।